हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंस टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा था डिकी गोयल सर की बुक से, और अब तक हम उसके 19 लेक्चर्स जो हैं अपलोड कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर हमने लिया था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स पर, जिसके बारे में हमने एक कैलकुलेशन टेबल आपको बनानी सिखाई थी। आज उसी से रिलेटेड हम इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन 20 क्या है, आइए देखते हैं। रिगार्डिंग टू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। 75,000 शेयर्स इशू किए हैं, 2 लाख की एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स ऑन प्रोटा बेसिस। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ कंपनी। ध्यान रखिए, कंपनी जब भी सारा पैसा एप्लीकेशन पर मंगवाती है तो हम एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम का। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 केस हमारे पास बनते हैं। पहला केस तो हमारे पास क्या है कि हमने 5,000 को क्या कर दिया है, 1 भी शेयर नहीं दिया है। और दूसरा केस कौन सा बनेगा, जो रिमेनिंग शेयर है 1,95,000, उनको हमने दे दिए हैं 75,000 शेयर। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास टोटल 2 लाख शेयर के ऊपर ही एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी एट द रेट ऑफ रुपीज़। 10 रुपये का शेयर है, 50% प्रीमियम यानी 5 रुपये प्रीमियम, तो टोटल 15 रुपये के हिसाब से 30 लाख रुपये मैं क्या कर लूँगा, रिसीव कर लूँगा। और 30 लाख के रिसीविंग की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 30 लाख रुपीज़ मैं रिसीव कर लूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई 5,000 को तुमने 1 भी शेयर नहीं दिया, इसका मतलब इस पर 15 रुपये के हिसाब से 75,000 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे। और क्योंकि हमने सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मंगा लिया, तो 1,95,000 को 75,000 शेयर दिए तो डिफरेंस जो रहा 1,20,000 शेयर का, तो उन पर भी हमें 15 के हिसाब से जो 15 एकम 15 15 दूनी 30, 18 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिले होंगे। तो 18 लाख रुपए भी हमें क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उनको कहीं यूज नहीं कर सकते। तो सेकेंड एंट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में हम कितना पैसा डालने वाले हैं, टोटल शेयर 75,000 हमारे क्या थे, इशूड थे, और 10 रुपये का शेयर था, तो 7.5 लाख रुपये हमारे चले जाएंगे कैपिटल में इंटू 3,75,000 चले जाएंगे हमारे इसके अंदर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अंदर। और 2 बैंक में हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 लाख, तो यहाँ पर 75,000, ये टोटल 18,75,000 रुपये 2 बैंक के नाम से हम शो कर देंगे। आइए इसकी एक बार जनरल एंट्री देख लेते हैं अपने समझने के पर्पज से, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे होगा, एक बार सॉल्यूशन की तरफ चल पड़ते हैं। लीजिए ये है इसका सॉल्यूशन। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 30 लाख रुपीज़ के साथ, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो आ जाएंगे 7.5 लाख रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ जाएंगे 3,75,000 रुपये, और बैंक में हम रिफंड कर देंगे 18,75,000 रुपये। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ हम अटैच करते हैं कि हाउ वी विल ट्रीट द सरप्लस मनी एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। अगर हमें कुछ भी ना बताया गया हो तो हम जो सरप्लस मनी आती है उसको किस तरीके से एडजस्ट करके चलते हैं, इफ़ द मनी इज टू बी कॉल्ड ऑन द डिफरेंट कॉल्स, लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगी है, और वहाँ पर यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको मिल गई है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दिस इज़ द प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। हालांकि मैंने कल आपको बता दिया था, फिर भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी और स्टेट दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट, देन सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज विल बी यूज ओनली फॉर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इफ स्टिल लेफ्ट विल बी रिफंडेड। और सेकेंड केस, इफ़ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्टेट दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, देन द सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू द अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड द बैलेंस इफ स्टिल इज लेफ्ट देन विल बी रिफंडेड। राइट,
अगर स्पष्ट कहा है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं कहा तो हम केवल और केवल अलॉटमेंट पर यूज करेंगे, बाकी बचा हुआ पैसा रिफंड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, हमने किया 20, अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21 के बारे में, देखते हैं उसको कैलकुलेशन टेबल से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2.50 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.50 ऑन सेकंड कॉल। तो टोटल ₹10 का शेयर, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, ₹10 में इशू किया, यानी एट पार पर इशू कर रखा है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर, इशूड 20,000, अप्लाइड 30,000 ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट वर मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई, 8,000 को हमने 8,000 दे दिए, 16,000 को हमने 12,000 दे दिए, 6,000 को हमने नील दे दिए। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड पास जर्नल एंट्री, देखिए यहाँ पर सारा पैसा आपको ड्यूली रिसीव्ड हो गया है, तो आपको क्या करके दिखानी है, जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो गया है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी कैलकुलेशन टेबल बनाई जाए तो सीधी सीधी टेबल हो जाएगी हमारे पास। 8,000 शेयर को हमने दिए हैं 8,000 शेयर, 16,000 को हमने दिए हैं कितने 12,000 शेयर, और 6,000 को हमने दिए हैं नील। ये तो हो गया शेयर्स अप्लाइड, और ये हो गया शेयर्स अलॉटेड। अब यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी का कॉलम हमारा बन जाएगा, एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। अप्लाइड पर मुझे मिलने हैं ₹24,000, और एक्चुअली मुझे चाहिए कितने थे 24। अप्लाइड पर मुझे मिले हैं कितने इससे 48,000, लेकिन एक्चुअली मुझे चाहिए कितने थे 36। अप्लाइड पर मुझे मिले हैं 18,000, लेकिन एक्चुअली मुझे इससे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। तो ये इस तरीके से पैसा आया। इससे हमने क्या कॉलम बनाया था, हमारा एक्सेस का कॉलम बनाया था। तो एक्सेस पहली कंडीशन में तो कुछ भी नहीं है, दूसरी में 48,000 माइनस 36,000, 12,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तीसरे में हमारे पास 18,000 एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट के बारे में। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, ₹2 की। ₹2 के हिसाब से ऑन अलॉटेड शेयर पर अगर हम देखें तो 16,000 हम यहाँ मांगेंगे, ₹24,000 हम यहाँ मांगेंगे, यहाँ कुछ मांग नहीं सकते। टोटल हम मांग लेंगे ₹40,000। यहाँ पर हम कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं एज एन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, चेक कर लेते हैं। पहले में कोई एक्सेस नहीं है तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पर ₹12,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है और 24,000 हमने मांग रखे हैं, तो इसका मतलब 12 के 12,000 हम एडवांस के तौर पर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ कुछ भी एडजस्ट नहीं होने वाला। इसका मतलब आगे एडजस्टमेंट देखें तो सारा का सारा एडवांस अलॉटमेंट पर ही यूज हो गया है, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हमारी नॉर्मल रहेंगी, ड्यू एंड रिसीव्ड, ड्यू एंड रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट की एंट्री पर हमारा बस ध्यान रहेगा कि ₹40,000 हम मांगेंगे, 12 हमें एडवांस मिल चुके हैं, इसका मतलब ₹28,000 अब हमें रिसीव्ड होंगे। आइए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होंगी। सबसे पहले तो आप इनको टोटल कर लें। टोटल आपके पास शेयर्स आए हैं 30,000, 30,000 पर एप्लीकेशन मनी है आपकी ₹3 के हिसाब से, जो कितने रुपये बनते हैं ₹90,000। जोड़कर देख लीजिए 24, 48, 18, इनको जोड़ेंगे तो ये 90,000 रुपीज़ आपके बनेंगे। 8, 8, 16, 4, 20, 4, 2, 6, 7 और 2, 9, तो 90,000 की हमारी रिसीविंग हो जाएगी। और एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आइए जनरल एंट्री वन बाय वन करके देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 90,000। अब इस 90,000 में कितना पैसा शेयर कैपिटल का है, देखिए 20,000 शेयर हमने इशू कर रखे थे, ₹3 एप्लीकेशन के बनते थे, तो 60,000 तो हुए एप्लीकेशन के। अलॉटमेंट पर एडवांस कितना यूज हो सकता है, 4,000 शेयर पर 3। कैसे कि हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी थी जिसमें हमने 16,000 को 12,000 शेयर दिए, तो वहाँ 4,000 शेयर पर मुझे एप्लीकेशन मनी ₹3 के हिसाब से एक्स्ट्रा मिली है, यानी कि 12,000 जिसको हमने अलॉटमेंट पर यूज़ किया है, तो वो हमारी यहाँ पर हो जाएगी 12,000 अलॉटमेंट की। और जिसका पैसा हम यूज ही नहीं कर पाए उसको हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। होप्सो कि दोनों एंट्री आपको समझ में आई हैं। आइए थर्ड एंट्री पर चलते हैं। अब थर्ड एंट्री ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि थर्ड एंट्री में हम नॉर्मली अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं 40,000 से। अब उस 40 में से हमें कितने एडवांस मिल चुके थे, 12 एडवांस मिल चुके थे, तो अब कितने मिलने वाले हैं, 28,000 हम रिसीव कर लेंगे। आगे की बाकी चारों कॉल्स हमारी नॉर्मल होने वाली हैं, क्योंकि उन पर हमने कोई ज़्यादा ना तो कोई एरियर है ना कोई एडवांस है, सीधी सीधी वो हमारी एंट्रीज हैं। तो आप फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की ड्यू की और रिसीविंग की एंट्री कर देंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। और क्योंकि 20,000 शेयर पर ₹2.5 के हिसाब से कॉल बनती है, तो 50,000 से ड्यू, 50,000 से रिसीव्ड,
ऐसे ही फाइनल कॉल भी 20,000 शेयर पर 2.5 रुपये के हिसाब से बनती है, 50,000 ड्यू 50,000 रिसीव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 22। सृजन लिमिटेड इशूड ₹10,00,000 न्यू कैपिटल डिवाइडेड इंटू ₹100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेबल एज फॉलो। यानी 100 रुपये का शेयर कितने में इशू हुआ है, 120 रुपये में, और 1,00,000 रुपये की कैपिटल है। इसका मतलब शेयर कितने हो गए हमारे पास, फेस वैल्यू से डिवाइड कर दे, 10,000 शेयर हमने इशू किए हैं 120 रुपये के हिसाब से, तो ये हमारी हो गई 12,00,000 रुपये इशूड कैपिटल, जिसमें पैसा हमने मांगा है 10 on application, 40 on allotment, जिसमें कि प्रीमियम के कितने रुपये शामिल हैं, 10। टोटल प्रीमियम कितने रुपये है, 20, और 10 यदि हमने अलॉटमेंट पर शामिल कर लिए तो बाकी हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस पर। तो टोटल 120 का शेयर बनता है, 40 और 10 50, 70 हमारे बन गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, जिसमें 60 plus 10 rupees हमारे होंगे, 60 कैपिटल के, 10 प्रीमियम के, जो अब तक हमने नहीं मांगे हैं। ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसको आप अलॉटमेंट पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर यूज करें। वे आर नो अलॉटमेंट वॉज मेड, मनी वर टू बी रिफंडेड। यदि किसी को कोई शेयर आपने नहीं दिया तो वहाँ पर आप पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। इसका मतलब हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं प्लस 13,000 के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं, तो कुल एप्लीकेशन कितनी आई है मेरे पास, 23,000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेंट जो 12,000 शेयर्स थे उनको हमने दे दिए केवल 2,000 शेयर, बाकी शेयर जो 3,000 के होल्डर थे उनको हमने एक रिग्रेट लेटर भेज दिया कि हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, बाकियों को हमने कर दिया प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। कुछ नहीं लिखा तो बाकियों को हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा हमें क्या हो गया, ड्यूली रिसीव्ड हो गया, जितना भी पैसा था हमें क्या हो गया, ड्यूली रिसीव्ड हो गया। अब बात करते हैं, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबो ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जो हमें करनी क्या है कि सारी जर्नल एंट्री करके दिखानी है, साथ में कैश ट्रांजेक्शंस की भी बुक्स ऑफ कंपनी में। तो यहाँ पर सीधी सीधी जर्नल एंट्री हमारे पास होने वाली है। अब जर्नल एंट्री को करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पर आप कैलकुलेशन टेबल बना सकते हैं। कैलकुलेशन टेबल कैसे बनेगी, हमारे पास कैटेगरी कितनी है, सिंपल सी कैटेगरी है हमारे पास कि 13,000 एक्स्ट्रा आए हैं, जिनमें से 12,000 को हमने दिए हैं कितने, 2,000 शेयर, और 3,000 को हमने क्या कह दिया, एक भी शेयर हम नहीं दे पाएंगे, और इसके अलावा अब मेरे पास बचे कितने। देखिए 12 और 3 15 की तो हमने कैलकुलेशन कर दी, टोटल आए थे 23,000, तो 8,000 को हम कितने शेयर दे रहे हैं, रिमेनिंग शेयर भी हमारे पास 8,000 बचे हैं। तो एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, 12,000 को 2,000, 3,000 को नील, 8,000 को 8,000। यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन मनी कितने रुपये के हिसाब से है, 10 रुपये के हिसाब से। तो अलॉट अप्लाइड शेयर पर 1,20,000 मिले थे, लेकिन मैक्सिमम मैं 20,000 ले सकता हूँ। यहाँ पर 30,000 मिले थे, लेकिन एक भी नहीं ले सकता क्योंकि इनको एक भी शेयर नहीं दिया। यहाँ पर 80,000 मिले थे और 80,000 ही मुझे चाहिए थे, तो यहाँ पर तो कोई एडवांस आया नहीं। यहाँ 30,000 रुपये एडवांस है जो कि मुझे रिफ़ंड करने पड़ेंगे क्योंकि इनके ऊपर हमने कोई शेयर लोट ही नहीं कर रखा। यहाँ पर 1,00,000 रुपये का एडवांस है जिसको मैं फर्दर यूज कर सकता हूँ। फर्दर मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ भाई, फर्दर मैं यूज कर सकता हूँ अपने अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट कितने रुपए की बनती है, देखिए अलॉटमेंट बनती है हमारे पास 40 रुपए के हिसाब से, 80,000 की तो यहाँ ड्यू होती है, और यहाँ पर बनती है 800 के 32, 3,20,000 रुपए की। यहाँ तो कोई एडवांस नहीं है तो एडवांस यूज होगा नहीं, इसको हम यूज कर नहीं सकते। अब यहाँ 1,00,000 रुपये एडवांस है, 80,000 हमारे अलॉटमेंट के बनते, तो 80 तो हम पूरे पूरे यूज कर लेंगे, बाकी कितने बचे 20,000, वो हम कहाँ ले जाएंगे, कोलसीन एडवांस में। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन टेबल को आप प्रॉपरली एक वर्किंग नोट के थ्रू बना लें। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, शेयर एप्लीकेशन मनी एट द रेट एंड ड्यू ऑन अप्लाइड, रिसीव्ड ऑन अप्लाइड, रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर, फिर एक्सेस मनी रिसीव्ड, फिर अलॉटमेंट ड्यू, यूज्ड ऑन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, राइट। बाकी के पैसे, बाकी की जो कॉल्स हैं हमारी, 20,000 रुपये जो बचेंगे यहाँ पर 1,00,000 में से 80,000 यूज करने के बाद, वो हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर चली जाएगी, वहाँ पर उस एडवांस को एडजस्ट करके चलेंगे। फिलहाल हमारी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 23,000 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से
230,000 आपको मिलने वाले हैं। आप टोटल करके देख सकते हैं, टोटल कैसे करेंगे, जो मैंने अलॉटमेंट टेबल आपके लिए बनाई है, कैलकुलेशन टेबल बनाई है, उसमें 10 रुपये के हिसाब से आपको कितने मिले हैं देख लीजिए, 12 और 8, 1,02,00,02,30,000 आपको रिसीव हुए हैं। अब उसमें से 230,000 में से कितना कैपिटल का पैसा है, 20 और 80, 1,00,000 रुपये कैपिटल का पैसा है। कितना रिफंड कर देंगे, 30,000 रुपये रिफंड कर देंगे। अलॉटमेंट पर एडवांस कितना यूज हुआ, 80,000 यूज हुआ, बाकी कहाँ हमने यूज कर लिया, कॉलसिन एडवांस पर। होप सो कि आपको ये पहली एंट्री क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद चलते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पर। अब अलॉटमेंट की एंट्री पर देखा जाए तो मेरे पास ड्यू की एंट्री कितने की बनती है, 4,00,000 की। कैसे, क्योंकि हमारे पास शेयर थे कितने, 10,000 शेयर हमने इशू कर रखे थे और 40 रुपये के हिसाब से कॉल बनती है, जिसमें से शेयर कैपिटल के 3,00,000 हैं, प्रीमियम के 1,00,000 हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपये तो कैपिटल के थे, 10 रुपये प्रीमियम के थे। अब टोटल 4,00,000 मिलने थे, 80,000 हमें पहले ही मिल चुके हैं, तो अब कितना मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,20,000, 3,20,000, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एरियर नहीं है। आगे चलते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं तो 7,00,000 रुपये से वो हमारी ड्यू हो जाएगी, जिसमें प्रीमियम भी है। तो 10,000 शेयर पर 70 रुपये हमने मांगे हैं, 60 रुपये कैपिटल के, 10 रुपये प्रीमियम के। अब यहाँ पर भी हमारे पास 20,000 पहले एडवांस आ चुके थे, हमने सेकंड एंट्री जो देखी थी शेयर एप्लीकेशन की, जिसमें 20,000 रुपये हमारे पास किसके एडवांस थे, कॉलसिन एडवांस। तो 7,00,000 में से 20,000 हमें पहले मिल चुके हैं, तो अब हमें रिसीविंग होगी कितने की, 6,80,000 की, और कॉलसिन एडवांस हमारा होगा 20,000, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएंगे 7,00,000। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यदि आपके क्वेश्चंस में है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी इवन दो है, तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उन क्वेश्चनों को भी आपके साथ क्या कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ। चलिए एक बार मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20, 21 और 22 को ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, इनका सॉल्यूशन आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3, होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस फॉर 20,00,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 3,00,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन द प्रोडाटा बेसिस, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। इसके लिए हम कितनी एंट्री कर देंगे, 2 एंट्री कर देंगे, एप्लीकेशन की रिसीविंग एंड एप्लीकेशन की ट्रांसफर, और रिफंड कितना हो जाएगा, 8,50,000 पर पैसा रखकर बाकी जितने भी शेयर्स हमारे पास बचते हैं 11,50,000, 11,50,000 रुपये के ऊपर हम 13 रुपये के हिसाब से पैसा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ठीक है, इसकी 2 एंट्री आप कर लेंगे इजिली, आई होप सो देर विल बी नो प्रॉब्लम। एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टोटल पैसा कितना मिल जाएगा, 20,00,000 पर 13 रुपये के हिसाब से 26,00,000। एडजस्ट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, राइट। तो ये आप अमाउंट की कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख कर दिखा देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोविंद लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल, एप्लीकेशन फॉर सीरीज 27,000 शेयर्स, डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलो, 16,000 को 16,000, 6,000 को 4,000, 5,000 को nil। आपको कैशबुक बनानी है और जर्नल एंट्री बनानी है। ध्यान रखिए, जब कैशबुक बनाई जाती है तो कैश रिलेटेड एंट्री हम जर्नल में पास नहीं करते, केवल और केवल कौन सी एंट्री पास करते हैं, जो कि ड्यूज की एंट्री होती है। तो आप यहाँ पर कैशबुक बना लेंगे आसानी से और ड्यू की एंट्री बना लेंगे, इससे हम बना लेंगे क्या, कैलकुलेशन टेबल, और बनाकर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ डू द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करके दिखा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 22 भी एक बार देख लेते हैं क्या कहता है, होप सो कि आप इसको भी समझ पाएंगे। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 रुपीज़ 20,00,000 डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, पेएबल एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, 4, 6 और बैलेंस। तो बैलेंस पर कितना बनेगा, 10 और 5, 15, 6, 4, 10, 5 रुपये का बैलेंस बनता है, 5 रुपये प्रीमियम है, तो यहाँ 3+2 हो जाएगा हमारे पास। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वॉर रिटर्न, ये हमने अभी अभी इंस्टेशन करके देखा था, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू एक्सटेंट ऑफ 80,000, यानी कि हमने 20,000 शेयर इशू किए हैं, सॉरी 10 रुपये का है तो 2,00,000 शेयर इशू किए हैं, तो 2,00,000
80,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई है, अलॉटमेंट हमने किया है 1,00,000 शेयर्स को 30%, 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, बाकियों को हमने प्रोडक्ट अलॉटमेंट कर दिया। तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और बताना है कि कितना पैसा आपको जो है रिसीव हुआ, क्योंकि यहाँ सारा पैसा मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई एरियर नहीं है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाएगा, प्रिपेयर द कैलकुलेशन टेबल एंड सोल्व द क्वेश्चन। होप सो कि आपको तीनों क्वेश्चंस की स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गई है। अब इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करके देखें, यदि कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस 23, 24 एंड 25। टिल दैट हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।